नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 10 मार्च। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज समूचे देश में बुराई पर अच्छाई का पर्व होली मनाया जाएगा, जहां पर पूरे दिन लोग एक दूसरे के साथ रंगों में घुलते मिलते नजर आएंगे। वहीं दिन भर घर में भी स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुफ्त उठाया जाएगा। रंगों के इस उत्सव को समूचे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहां लोग सुबह रंगों से होली का त्यौहार मनाते हैं, तो वहीं शाम में अबीर और गुलाल खेलते नजर आते हैं। JPSC सिविल सर्विसेज ने निकाली रिक्तियां। झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने डिप्यूटी कलेक्टर, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत अन्य पदों को मिलाकर 267 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 मार्च तक jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। पटना हाईकोर्ट की 13 मार्च तक सभी काम रहेंगे बाधित। होली को लेकर बिहार के सभी सरकारी संस्थान के कामकाज लगभग बंद ही रहेंगे। इसी क्रम में पटना हाईकोर्ट ने भी होली के समय में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब हाईकोर्ट के सभी काम 13 मार्च तक बाधित रहेंगे। जज से लेकर सभी वकील इस दौरान छुट्टी पर ही रहेंगे। वहीं हाईकोर्ट 16 मार्च से पहले की भांति खुल जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार पुलिस को दिया होली का तोहफा। पूरे देश में होली की धूम है, शुभकामनाओं का दौर जारी है। लोग एक दूसरे को उपहार और आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर बिहार सरकार ने जवानों के होली का तोहफा दिया है। सरकार ने जवानों को ब्रांडेड कपड़े के सिली हुई वर्दी तोहफे के रूप में दी है। 40,000 होमगार्ड को समर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए मॉन्टे कार्लो से MOU साइन हो चुका है। राज्य में होमगार्ड की वर्तमान संख्या करीब 54,000 है। इनमें 42,000 को 100% ड्यूटी मिल रही है। होली के दिन रंगों के साथ साथ बारिश की बूंदों से भींग सकते हैं आप। होली के मौसम में अक्सर धूप की स्थिति देखने को मिलती है, मगर इस बार की होली में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो आज होली के दिन रंगों के साथ साथ बारिश भी अपने रंग दिखा सकते हैं, जिसके तहत बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। सिर्फ होली ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 13 तारीख तक बारिश से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। राजद के इस सांसद ने की महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित करने की मांग। इस चुनावी साल में सभी पार्टियां अपने विपक्षी दलों पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में राजद के एक मंत्री ने एक बार फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेताओं को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत राजद पार्टी के नेता जगदानंद सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अगर वाकई में महिलाओं की फिक्र है तो 33% सीट उनके लिए सुरक्षित कर दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होली से बनाएंगे अपनी दूरी। आज जहां पूरे देश में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं बिहार की राजनीतिक पार्टियों की होली इस बार फीकी रहने वाली है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार होली का त्यौहार मनाने से मना कर दिया है। खबरों की माने तो कोरोना के बढ़ते लक्षण को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे भी होली के त्यौहार को सादगी के साथ मनाते हैं। हर साल होली के दिन वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही उठते बैठते नजर आते हैं। भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका को आम आदमी पार्टी ने किया सम्मानित। पटना के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका को कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र एवं कला संस्कृति प्रकोष्ठ बिहार की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया है, जिसके तहत आपके प्रदेश मीडिया प्रभारी बबलू प्रकाश ने बताया कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका द्वारा गाया गीत बहकावे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर ही बटन दबाएंगे, यह गीत सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इसके बाद ही अंतरा को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बिहार बोर्ड ने समय पर रिजल्ट जारी करने का किया ऐलान। यूं तो कहने को बिहार के लगभग सभी नियोजित शिक्षक अपने काम को छोड़कर अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, मगर बिहार बोर्ड का ऑल इज वेल की ये बात पर अड़ी हुई है। इसी क्रम में बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से ऑल इज वेल का सिग्नल देते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह दावा किया है कि इंटर का रिजल्ट समय अनुसार ही जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने वाली पुष्पम प्रिया का जदयू से है नाता। खुद को बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी पुष्पम दरअसल जनता दल के नेता विनोद चौधरी की बेटी है और वर्तमान में वह लंदन में रहती हैं। वहीं अब उन्होंने अपने नए पार्टी का ऐलान किया है, जिसका नाम प्लूरल्स है। उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर पर भी इस पर विज्ञापन देते हुए लिखा है कि हमारी पार्टी के पास 2025 और 2030 तक के लिए बिहार का रोडमैप और ब्लूप्रिंट तैयार है। लालू यादव ने राज्यसभा भेजने के लिए दो नामों का किया चयन। राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए की स्थिति जहां एक तरफ साफ है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में संशय की स्थिति बरकरार है, जहां राजद और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। मगर इन सबके बीच राजद के MLC सुबोध राय ने साफ कर दिया है कि राज्यसभा की सीट राजद अपने पास ही सुरक्षित रखना चाहती है। अपने ही बयान से पलटते दिखे चिराग,
इन दिनों बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर निकले चिराग पासवान यूं तो बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर अब तक सरकार की नीतियों और विकास कार्य पर सवाल उठाते आ रहे हैं, मगर अब वो अपने ही बयान से पलट गए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब से वो सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। इतना ही नहीं, अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विकास को लेकर सवाल उठाते आ रहे, चिराग ने उन्हें विकास पुरुष का टैग भी दे दिया है। बिहार की सियासी होली इस बार रहेगी फीकी, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए होली के कार्यक्रम में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया था, वहीं अब उनके नक्शे कदम पर चलकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी होली से दूरी बना ली है, जिसके तहत वो होली से पहले बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी अपने आवास पर इस साल होली के आयोजन से सख्त मनाही कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हंसराज को दी आखिरी विदाई। कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हंसराज भारद्वाज के दुनिया को अलविदा कहने के बाद कांग्रेस के सभी नेताओं ने अपनी श्रद्धासुमन व्यक्त की है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर अपनी श्रद्धासुमन भी व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अच्छे कामों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। होली के बहाने तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने का। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बहुत हो चुके तंग, इस होली पर हर बिहारी मांगे विशेष राज्य वाला रंग। इसके साथ ही उन्होंने डबल इंजन वाली सरकार के पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग भी किया है। बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने बिहार की जनता को दी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के शुभ अवसर से पहले ही बिहार के कई राजनीतिक दलों ने दूरी बना ली हो, मगर सभी ने प्रदेशवासियों को होली की जमकर शुभकामनाएं दी। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राजद नेता राबड़ी देवी ने भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। हालांकि कोरोना की वजह से इस साल की राजनीतिक होली की कमी जरूर खलेगी। श्याम रजक ने चिराग पासवान को दी नसीहत, कहा गूगल देखें। चिराग पासवान इन दिनों बिहार में बिहारी फर्स्ट नारे के साथ पूरे बिहार की यात्रा पर हैं, जहां वे नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। अब जदयू नेता ने चिराग पासवान पर टिप्पणी की है, जिसके तहत मंत्री श्याम रजक ने नीतीश कुमार पर कसे गए तंज पर उन्होंने चिराग पासवान को गूगल की मदद लेने की सलाह दी है। आपको बता दें, चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के विकास कार्यों को लेकर तंज कसा था। अब चले बढ़ते मौसम के खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे इसे मगर लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के आसार है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में भी इजाफा हो सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,170 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,170 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,950 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 75.10 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 67.66 रुपए प्रति लीटर था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले एक दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है, जिसके तहत अब विराट कोहली, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, केएल राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। करीना कपूर ने सारा अली खान को लेकर कही बड़ी बात। एक्ट्रेस करीना कपूर खान लंबे समय के बाद ही से मगर अब पर्दे पर वापसी कर चुकी हैं। वहीं सारा अली खान से उनका रिश्ता होने के नाते उन्होंने सारा के बारे में बड़ा खुलासा किया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सारा बचपन से ही बहुत शरारती हुआ करती थी। इतना ही नहीं, करीना ने कहा कि मैंने सारा को शरारती लड़की से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। फेसबुक ने होली बनाई खास, स्क्रीन पर दिखने लगा रंग। होली के रंगों में अब फेसबुक भी रंग गया है, जिसके तहत फेसबुक ने हाल ही में एक ऐसा फीचर रोल किया है जो यूजर्स को होली रंगों के साथ विश कर रहा है। इस फीचर्स के तहत जब भी आप किसी दूसरे यूजर्स को होली विश करने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली लिखेंगे, वैसे ही होली के रंग आपके स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। इतना ही नहीं, हैप्पी होली का फॉन्ट कलर बदलकर पर्पल हो गया है। बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने सामने आई एक नई उम्मीदवार। बिहार की राजनीति में अब चहल पहल की स्थिति बन गई है, जब सुबह सुबह लोगों को अखबार में मुख्यमंत्री पद की नई दावेदार के बारे में देखने को मिला। जारी किए गए इश्तेहार में सीएम की दावेदारी पेश कर रहे इस महिला का नाम पुष्पम प्रिया चौधरी है और उनकी पार्टी का नाम प्लूरल्स है। उन्होंने अपने द्वारा जारी करवाए गए विज्ञापन में यह कहा है कि इस पत्र को संभाल कर रखें, क्योंकि यह पत्र आपके और आपके अच्छे भविष्य की गारंटी है।
टीईटी शिक्षक 14 मार्च को करवा सकते हैं सामूहिक मुंडन। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने के बाद अब बिहार के लगभग 1,00,000 टीईटी शिक्षक भी सड़कों पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, सभी टीईटी शिक्षकों ने 14 मार्च को सामूहिक मुंडन करवाने का ऐलान किया। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे सत्यपाल चंद्रा की। सत्यपाल चंद्रा का जन्म बिहार के गया जिले में दुरुस्त गांव मल्हारी में हुआ था। सत्यपाल चंद्र एक भारतीय लेखक और उद्यमी है। वह मैक टैप टेक्नोलॉजी और आउटलेट्स मीडिया के संस्थापक है। इतना ही नहीं, उन्होंने विभिन्न विद्याओं के उपन्यास लिखे हैं जिसमें द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, गोल्डन एंगल, माई लाइफ इज फॉर यू जैसी किताबों के नाम शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है अब्दुल रहमान, सत्यम शर्मा, अशोक ठाकुर, दरोगा कुमार, सद्दाम, आदिल आलम, कुंदन दुबे, नीरज कुमार, बाबूलाल यादव, विकी कुमार, पीयूष सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार होली के दिन रंग खेलते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।